गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? फाइन, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, कि फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट के बीच में क्या डिफरेंस है। कि फंडामेंटल राइट्स वो थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और कौन कौन से वो राइट्स हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए, फर्स्ट फंडामेंटल राइट आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी, कि समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। कि आर्टिकल 14 से 18 तक हमें राइट टू इक्वलिटी का फंडामेंटल राइट दिया गया है। सेकंड फंडामेंटल राइट जो है हमारा राइट टू फ्रीडम, कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। सेकंड हमारा फंडामेंटल राइट है ये। थर्ड जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट राइट, मींस किसी व्यक्ति के साथ वोलेशन हो रहा है या उसका आप कह सकते हो कि उत्पीड़न हो रहा है हिंदी में जनरली बोले, तो उसको अधिकार दिया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, और ये दिया गया है हमें आर्टिकल 23 एंड 24 में। फोर्थ हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि सभी लोगों को रिलीजन की फ्रीडम है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को अपना सकता है। ये जो हमें राइट दिया गया है ये आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि सभी को जो माइनॉरिटी है स्पेशली उनको अपनी जो कल्चर है उसे प्रोटेक्ट कंजर्व करने का अधिकार है, एजुकेशन लेने का अधिकार है। तो फिफ्थ हमारा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आता है आर्टिकल 29 एंड 30 में। और सिक्स्थ और जो लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को छीना जाता है या उसको उनको अधिकारों को वॉयलेशन किया जा रहा है, तो उसे ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों को वापस ले सकता है। तो सिक्स्थ हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ये पार्ट थर्ड में रिटर्न है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड पार्ट है उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, कि जिसमें बताया गया है कि ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दीज 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आज हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि राइट टू इक्वलिटी है, कि राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या इक्वलिटी, किस चीज़ की रिगार्डिंग हमें इक्वलिटी दी गई। तो आज हम इन सभी जो इतने भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट था राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया था। अब देखिए, इनके आर्टिकल 14 से 18 के बीच में किस किस चीज़ के रिगार्डिंग हमें इक्वलिटी दी गई है। देखिए, आर्टिकल 14 है जिसमें कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून की नज़रों में सभी लोग समान है, यानी कि कानून जो है, जो लॉ है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नज़रों में सभी लोग समान है, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ, रिच पुअर, लोअर हायर, किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में कहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 कहता है कि कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि जैसे आपने पहले पढ़ा था कि पहले जो हमारे एंशियंट टाइम में होता था कि कास्ट, जेंडर, क्रीड, इनके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चीज़ों पर बैन कर दिया है कि इन बेसिस पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। अगर कहीं पर भी ये किया जाता है तो वो एक इलीगल है, गलत तरीका है, कानून के अगेंस्ट है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, कि इन बेसिस पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, यानी कि सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं और किसी को कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, कि हायर कास्ट के लोग हैं या हायर क्लास के लोग हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, नहीं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। तो ये आर्टिकल 16 में आता है। इसके बाद है आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हायर क्लास और लोअर क्लास होती थी, कि पहले जो हमारा सोसाइटी थी वो चार उसमें बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र को इनमें सबसे नीचा समझा जाता था, लोअर क्लास में। तो लोअर क्लास के जो लोग होते थे उन लोगों के साथ जनरली क्या होता था कि उनसे, उन्हें अपने से अलग रखा जाता था, उन्हें अपनी सोसाइटी में जगह नहीं दी जाती थी, उन्हें मीन से टच नहीं किया जाता, उन्हें अपने आसपास नहीं आने दिया जाता था। तो अलग अलग तरीके से उनके साथ वो करते थे, भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को बैन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि अनटचेबिलिटी को बैन किया जाता है, कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको प्रैक्टिस करता हुआ मिलता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, कि पनिशेबल क्राइम है, कि आपको उसके रिगार्डिंग पनिश किया जा सकता है। तो आर्टिकल 17 में यही कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से एबोलिश किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कि टाइटल्स, कि पहले अलग अलग लोग होते थे उनको टाइटल्स दिए जाते थे, इवन आज भी दिए जाते हैं, तो टाइटल्स को अबोलिश कर दिया गया है। टाइटल्स को क्यों अबोलिश किया गया है, देखिए पहले जनरली जब ब्रिटिश टाइम होता था तो ब्रिटिश पीरियड में क्या होता था, जो अंग्रेज़ों की सेवा करते थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, उन लोगों को ब्रिटिश अलग अलग नाम से टाइटल्स वगैरह दे देते थे। तो टाइटल दे देते थे उन्हें, सूबेदार या कुछ भी इस तरह की पोस्ट वगैरह दे दी जाती थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने अब इस चीज़ पर बैन कर दिया कि किसी भी आदमी को टाइटल नहीं दिया जाएगा, केवल उन लोगों को टाइटल्स दिए जाएंगे जो या तो मिलिट्री में है, मिलिट्री में कोई अगर अपॉर्चुनिटी उसको मिला है, मौका मिला है, वो हायर पोस्ट पहुँचाए तो हायर पोस्ट के एक वो होता है, उनके लिए टाइटल्स होते हैं, वो टाइटल्स उन्हें दिए जाएंगे। या जो अकेडमिकली कोई है, तो जैसे पीएचडी होल्डर्स होते हैं तो उन्हें डॉक्टर्स के नाम से वो डॉक्टर का एक टाइटल दिया जाता है, तो उनको, केवल मिलिट्री और अकेडमिक जो लोग हैं उन्हीं को ही, जिन्होंने एक अच्छी क्वालिफिकेशन की है, ठीक है, या अच्छी पोस्ट पर पहुँचे, उन्हीं लोगों को टाइटल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टाइटल्स दिए जाएंगे, और किसी व्यक्ति को टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। तो ठीक है, तो राइट टू इक्विटी में ये कहा गया है आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके बाद आता है आर्टिकल 15 में कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की कास्ट, कलर, जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 में जो कहता है, आर्टिकल 16 में कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। 17 में अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है, और 18 में कहा गया है कि टाइटल्स जो हैं केवल मिलिट्री और अकेडमिक जो लोग हैं उन्हीं को ही टाइटल्स दिए जा सकते हैं, बाकी लोगों के टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया। तो ये है हमारा राइट टू इक्वलिटी। इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट, वो आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो दिया गया है वो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया गया है। आर्टिकल्स 19 से 22 तक हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है, स्वतंत्रता अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 19 में हमें सिक्स फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई हैं, कि सिक्स फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं जो कि हमें आर्टिकल 19 में दी गई हैं। अब वो कौन कौन सी सिक्स फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं? पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि सभी लोगों को अपनी बात कहने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी स्पीच है, कोई भी एक्सप्रेशन है, वो उसने एक्सप्रेस कर सकता है, उन्हें कह सकता है। एक तो ये आता है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि आप कहीं पर भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, कि लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि आप कहीं पर भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, जैसे कि मैरिज वगैरह, आपने इस तरह गैदरिंग वगैरह होती है, उन चीज़ों में आप वहाँ पर आप असेंबल हो सकते हैं। तीसरा है फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, कि लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी एसोसिएशंस बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, जैसे कि वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, अलग अलग जो लोग हैं ये अपनी यूनियंस बनाते हैं, तो इन्हें अधिकार दिया गया है कि वो इस तरह से अपनी यूनियंस वगैरह बना सकते हैं। इसके बाद जो आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडियन टेरिटरी, कि आप इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, मींस आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर मूव कर सकते हैं, आपके ऊपर उस पर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस
नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये आता है। इसके बाद है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, कि आप देश के किसी भी पार्ट में अपना रेजिडेंस कर सकते हैं, किसी भी पार्ट में आप सेटल हो सकते हैं। आपको ये पूरा अधिकार है कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर आप अपना रेजिडेंस कर सकते हैं, अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, कि आपको अपनी मर्जी से किसी भी प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन या ट्रेड को चुनने का अधिकार है, कि आप किसी भी ऑक्यूपेशन किसी भी ट्रेड में जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 में दी गई हैं, ठीक है। अब इनमें एक चीज़ और है कि ये फ्रीडम तो हमें दी गई है, हमें कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो वैसे आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि इसमें ये चीज़ें हैं कि अगर आपके जैसे स्पीच हो गया, आपके बोलने से, आपके ऑक्यूपेशन से, आपके रेजिडेंस से, अगर कंट्री की, देश की यूनिटी को या सिक्योरिटी को अगर नुकसान होता है, तो आपकी इन राइट्स को, आपके इन फंडामेंटल जो फ्रीडम्स दी गई है, इनको वापस लिया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो दी गई इनको, और आगे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में हमें 6 फ्रीडम्स दी गई है। इसके बाद है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि इसको अगर ले तो राइट ऑफ एक्यूज, कि एक्यूज जो पर्सन है उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। कि इसमें एक तो सबसे पहले ये है कि बिना किसी रीजन के, बिना किसी क्राइम के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी ऑफेंस। जब तक उसने किसी लॉ को ब्रेक नहीं किया है तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, एक चीज़। दूसरा इसमें आता है कि कोई भी व्यक्ति है उसे किसी भी पनिशमेंट के लिए एक से ज़्यादा बार उसे पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, मीन्स एक क्राइम के लिए उसे सिर्फ एक बार ही पनिश किया जा सकता है, एक बार से ज़्यादा उसे पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आता है जो आपको कि किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 20 में ही दिया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी क्राइम के लिए एक बार ही पनिश किया जा सकता है, एक बार से ज़्यादा उसको पनिश नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसमें आता है कि किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ ही उसको विटनेस नहीं बना सकता, कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता, ये आता है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, की आपको अधिकार है कि अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का, पर्सनल लाइफ या कह सकते हो पर्सनल लिबर्टी का आपको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 22 में कहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन, कि आपको अरेस्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ अधिकार दिए गए कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि आपको पहले अरेस्ट करने से पहले उसका रीज़न बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो अरेस्ट करने का एक रीज़न होगा। दूसरा इसमें कह सकते हो कि आप उसे 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा कि किसी भी आदमी को अरेस्ट किया गया है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो उसे विद इन 24 आवर्स के अंदर उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। और तीसरा इसमें एक और आता है कि उसे अपनी मर्जी से अपना लॉयर चुनने का अधिकार है। तो ये 3 उसमें दिए गए हैं कि 24 आवर्स में उसे कोर्ट में पेश करना होगा, अपनी मर्जी से वकील करने का उसे अधिकार है, ठीक है, और तीसरा इसमें था कि बिना किसी रीज़न के उसे अरेस्ट, बिना रीज़न बताए उसे अरेस्ट नहीं किया सकता। तो ये राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम के बारे में। इसके बाद जो थर्ड हमारा राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसे हम आगे रीड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमें रीड करेंगे। तो अभी आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उनको आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।